इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ से फरार इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दू को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि बदन सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब तक क्या प्रयास हुए हैं। हाई कोर्ट ने सवाल मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सोम की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से किया है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को इसके लिए पर्सनल एफिडेविट भी फाइल करने के निर्देश दिए हैं। अभिषेक सोम ने याचिका में कहा है कि बदन सिंह बद्दू को उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन पिछले साल 28 मार्च को वह फरार हो गया, उसे पकड़ने के प्रयास नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दू, जो पुलिस की अभिरक्षा से छूटकर भाग गया था, कहीं ना कहीं उसमें पुलिस की ढीला रवैया है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसको लेके एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसको स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश के CGI ने उस पर विशेष रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह से जवाब तलब किया कि एक इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो लगातार लोगों को धमकी दे रहा है और अभी तक वो फरार है, अभी तक उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, इसी को लेके जहां उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को हम अपराध मुक्त कर देंगे, अपराधी मुक्त कर देंगे, दूसरा बदन सिंह बद्दू पर इतना रियायत क्यों, उसकी जो अवैध संपत्ति है उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको अपने कब्जे में नहीं लिया है, उसको लेके कोई ऐसा विशेष अभियान नहीं चलाया, तो इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार पर CGI ने नाराज़गी व्यक्त की है और उस पर उनको फटकार भी लगाई है। अगली तारीख 23 नवंबर को है, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया, उनसे कहा है कि आप इसमें स्पष्ट रूप से बताइए कि बदन सिंह बद्दू की गिरफ्तारी कब तक मुकर्रर हो पाएगी। तो अब देखना होगा कि आने वाले 23 नवंबर को क्या होता है और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें क्या जवाब दाखिल करती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने प्रधान सचिव गृह को निर्देश दिया कि वे बदन सिंह बद्दू की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें। हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 नवम्बर की तारीख तय की है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।